आंखों देखी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहंदी हसन आज लाइव हूँ अजमेर के मेन बाजार से। जी हाँ, कल राखी का त्यौहार है, बहनों का त्यौहार है, पर इस कोरोना काल में जैसे सब थम सा गया है। बाजार पहले से थोड़ा नम जरूर है, पर फिर भी कुछ बहनें आ रही हैं अपने भाइयों के रक्षा के लिए राखी लेने। आइए हम जानते हैं यहाँ कुछ दुकानें हैं और क्या यहाँ उपलब्धता रह रही है, भीड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं त्यौहार जो है वो दब सा रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी राखियाँ हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार में बहनें अपने भाइयों को राखियाँ बांधती हैं और जिसके लिए वो बाजार और अन्य जगहों से राखियों का करण सामान खरीदती है, परंतु इस कोरोना काल में बिल्कुल भी मुश्किल हो गया। आइए जानते हैं, यहाँ एक हमारे भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? टीकम। क्या? टीकम। टीकम, बता सकते हैं आप जो पिछले साल राखी थी उसके मुकाबले इस साल आपका बाजार कितना क्या रहा? कुछ भी नहीं, बहुत कम है। बहुत कम है। क्या राखियाँ बिक्री है या फिर काफी? बहुत कम है, इतना धंधा नहीं पहले जैसा। पहले जैसा नहीं, तो आप सुन सकते हैं इस कोरोना काल में कितना मुश्किल हो गया है। इस कोरोना काल में राखी, बल्कि यूँ कहें सारे त्यौहार, जितने भी त्यौहार हैं वो मनाना काफी मुश्किल हो गया है। लोग बहुत डरे सहमे दुकानों पे आ रहे हैं, डरे सहमे, क्योंकि ये भाइयों का त्यौहार है, बहनों का त्यौहार है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो जाती है, कहीं ना कहीं एक आड़े भी आ जाता है कि भाई हमारे भाइयों को राखी बांधना है, तो वो मार्केट करने आ रही है। देख सकते हैं हमारी बहनें मार्केटिंग कर रही हैं राखी की, और हालांकि बताया जा रहा है पहले से मार्केट काफ़ी कम है, लोग पहले से आए हैं और राखियों का त्यौहार है वो काफ़ी पहले से कम हो गया है। तो आइए और हम आगे जानते हैं राखी का दुकान है और थोड़ी यहाँ भीड़ हमें हल्की फुल्की नजर आ रही है क्योंकि त्योहार है, और मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से राखी और बताना चाहूँगा यहाँ थोड़ी हल्की भीड़ है और कल राखी का त्यौहार है, इस वजह से लोग खरीदारियाँ कर रहे हैं, हमारी बहनें खरीदारियाँ कर रही हैं। खैर, कोरोना काल में थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ है, पर त्यौहार भी मनाना लोग कैसे कर रहे हैं। आंखों देखी ब्यूरो रिपोर्ट अजमेर।